तो पिछली वीडियो में हमने कुछ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स पढ़ लिए हैं हमने, ठीक है। डोलोमाइट पढ़ा था, पोर्सिलेन पढ़ा था, ग्लास के बारे में पढ़ लिया है हमने पिछली वीडियो में, ठीक है। तो ये जो वीडियो है हमारी मेन, बेसिकली ये दो तीन टॉपिक आगे कवर करेंगे इसमें हम। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है एडहेसिव्स के बारे में, जॉइनिंग मटेरियल्स, एडहेसिव्स, ठीक है। आपने कई बार उस पर जो आपकी फेविकोल होती है डिब्बे में दिखा, वहाँ लिखा होता है एडहेसिव मटेरियल्स, एडहेसिव्स, ठीक है। तो चिपकाने वाले पदार्थ हैं सारे के सारे। कई बार ये वो काम कर जाते हैं जो काम वेल्डिंग और सोल्डरिंग भी नहीं करती, रिवटिंग भी नहीं करती। और जैसे लकड़ वुड वगैरह चिपकाना है, हमने आपने देखा होगा कारपेंटर के पास काफ़ी सारे ये फेविकोल वगैरह होती है, वो सारे मटेरियल क्या कहलाएंगे हमारे, एडहेसिव मटेरियल्स कहलाते हैं हमारे, जॉइनिंग मटेरियल्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। तो देखने यहाँ से एक बार कहता है, एन एडहेसिव इज़ अ मटेरियल विच इज़ यूज टू होल्ड टू सरफेस टूगेदर। फॉर डूइंग सो एन एडहेसिव मस्ट वेट द सरफेसिज, अडेयर टू द सरफेसिज, डेवलप स्ट्रेंथ आफ्टर इट हैज़ बीन अप्लाइड एंड रिमेन स्टेबल, फिर वहाँ पर स्टेबल भी रहे, ठीक है। इन मैनी रिस्पेक्ट्स यूज एडहेसिव्स फॉर सर्टेन मटेरियल्स इज बेटर देन मेथड ऑफ वेल्डिंग, रिवेटिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो कई टाइप के होते हैं, मतलब आपने सारे सारे दो दो तीन तीन लाइनें सबके बारे में पढ़नी है, क्योंकि बहुत लंबा जो टॉपिक होता है, दो नंबर में चार नंबर में आना है सारे टॉपिक में, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और सारे कवर करते हुए आप सारा कुछ पढ़ोगे तो याद भी नहीं कर पाओगे आप। क्लासिफिकेशन ऑफ एडहेसिव देख लेते हैं हम, कई टाइप, दो टाइप के मेन क्लासिफिकेशन है इसमें। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एडहेसिव फिल्म, किस टाइप की फिल्म बनाता है एडहेसिव, जैसे एयर ड्राइंग एडहेसिव्स है, थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव है, केमिकली हार्डनिंग एडहेसिव है, प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिवनेस है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेन बाइंडर, बाइंडर के तौर पर जब यूज़ करेगा तो वेजिटेबल एडहेसिव्स हैं बेस्ड ऑन स्टार्च, किसी के बने होते हैं, डेक्सट्रीन, गम, ठीक है, ये सारे वही हैं। देखो आप, एनिमल एडहेसिव्स हैं बेस्ड ऑन बोन, फिश ग्लू, नेचुरल रेजिन एडहेसिव्स हैं बेस्ड ऑन रेजिन, शेलैक, ठीक है, सेलुलर एडहेसिव, पॉलीविनाइल एडहेसिव्स, ठीक है, पीवीसी, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, इस पर भी काम करेगा, ठीक है। और भी कई टाइप के हैं, थोड़ा सा पढ़ना आप, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडहेसिव्स, एडवांटेज क्या क्या है इसकी, देखें, यूज टू ज्वाइन ऑलमोस्ट एनी कम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कोई भी कम्बिनेशन मटेरियल को ज्वाइन कर देगा। दे कैन बी अप्लाइड इजिली एंड क्विकली, जल्दी से हो जाएगा। द मटेरियल ज्वाइंड बाय एन एडहेसिव कैन रेजिस्ट क्रोजन, ठीक है, क्रोजन रेजिस्टेंस रहेगा वो। द ज्वाइंट मेड बाय एडहेसिव इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज भी है लेकिन इसकी, द ज्वाइंट मेड बाय एडहेसिव लॉस इट्स स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, ये बात है, जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी वो लूज़ कर देगा, पिघल जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट एंड इज जनरली डिस्ट्रक्टिव। समटाइम इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एडहेसिव सो टू सेट एंड डेवलप स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाता, स्ट्रेंथ नहीं, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बन पाएगी, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है। एप्लीकेशन ऑफ एडहेसिव कहाँ का अप्लाई करना है, ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोटिव में, पैकेजिंग में, एयरक्राफ्ट में, बुक बाइंडिंग में, ये सारे बाइंडर्स ही हैं सारे, ठीक है, एडहेसिव्स हैं सारे, इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एब्रेसिव मटेरियल्स, अच्छा एडहेसिव अलग था, एब्रेसिव अलग है। एब्रेसिव मटेरियल्स वहाँ यूज़ करने हैं जहाँ पे आपने, जैसे ग्राइंडिंग व्हील में, मैंने पहले भी जिक्र किया था आपसे, ग्राइंडिंग व्हील जो बनता है वो एब्रेसिव मटेरियल्स का बनता है, जिससे कि वो खुद भी थोड़ा कम होता रहता है और साथ में जो आपके मटेरियल है, जैसे मान लो कोई भी टूल है आपका, उसको शार्प एज करनी, उसकी एज शार्प करनी, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग को, ठीक है। दीज आर द मटेरियल्स विच आर यूज टू ग्राइंड, सही बात, स्मूथन एंड पॉलिश द सर्फेस ऑफ द अदर मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम रिक्वायर्ड शेप, साइज एंड फिनिश। कितने रिक्वायरमेंट आपको, कैसी आपको फिनिशिंग कितनी देनी है, साइज़ कैसा, शेप कैसी है उसकी। असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडहेसिव एब्रेसिव्स आर इट्स हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, हार्ड होने चाहिए और ब्रिटल भी होने चाहिए। टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स हैं, दो टाइप के मेले, नेचुरल एब्रेसिव्स और आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स। नेचुरल एब्रेसिव जो नेचर में अवेलेबल है आपके पास, जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल इसका डायमंड है, ठीक है ना, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे पास, आपको पता ही है, एब्रेसिव की तरह काम करवा सकते हैं उससे। दीज एब्रेसिव्स अकर एज मिनरल्स और रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के उसका मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। डायमंड देखो आगे बना, कोरंडम, गार्नेट एंड क्वार्ट्ज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एब्रेसिव्स। तो तीन टाइप के हार्ड एब्रेसिव हैं, सिलिकॉन एब्रेसिव, सॉरी सिलिसियस एब्रेसिव है, सॉफ्ट एब्रेसिव। तो हार्ड एब्रेसिव का नाम सबसे पहले नाम आएगा डायमंड का आएगा, दो दो लाइन सबके बारे में आपने पढ़ते चले जाना इसमें, ठीक है। डायमंड आपको पता है इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज नोन एज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, इट्स हार्डनेस इज 10, पूरी पूरी 10 इसकी है, ठीक है, मोह स्केल पर इसकी 10 हार्डनेस आती है।
कोरंडम इट इज़ नेचुरल एब्रेसिव बट इट कैन ऑल्सो भी मैनुफैक्चर्ड आर्टिफिशियली बना सकते हैं सेम। इट इज़ 95-98% एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद हार्डनेस 9 ऑन मोहर्स स्केल। ठीक है, एमरी पेपर का नाम सुना है आपको, आपने एमरी पेपर एमरी होता है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोरंडम एंड मैग्नेटाइट Fe3O4। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरंडम एंड साइज ऑफ इट्स क्रिस्टल डिसाइड द हार्डनेस ऑफ द ग्रेन एंड द ग्रेन ऑफ द एमरी। गार्नेट इट इज हार्डनेस ऑफ 6.5-7.5 ऑन मोह स्केल। इट इज़ बेसिकली ग्रुप नेम फॉर मिनरल्स सच एज, कई सारे मिनरल हैं इसमें आएंगे, सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गए हमारे, जैसे यहाँ पे आ गया था हार्ड आगे सारे, दूसरे नंबर पे आएंगे कौन से हमारे, सिलिसियस एब्रेसिव। इसमें सिलिका चीफ कॉन्सेंट के तौर पे काम कर रहा है इस एब्रेसिव में, इसलिए इसका नाम भी सिलिसियस एब्रेसिव पड़ गया है। एग्जाम्पल्स हैं इसके क्वार्ट्ज, फ्लिंट, सैंडस्टोन। ठीक है, तो इसके बारे में एक दो लाइनें आपने पढ़नी है, सबके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जाना, आपने पूरा टॉपिक ही चार नंबर का है, चार नंबर के लिए आपने उसको याद करना है। तीसरे नंबर पे आ गए हमारे सॉफ्ट एब्रेसिव्स। सॉफ्ट एब्रेसिव दिस आर नॉन सिलिसियस एब्रेसिव यूज फॉर बफिंग मैट। बफिंग मतलब एक तरह के पॉलिशिंग ऑपरेशन ही है, पॉलिशिंग के बाद बल्कि बफिंग करते हैं ताकि शाइनिंग और ज़्यादा बढ़ जाए इसकी। मेटल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फास्ट रिमूवल ऑफ रिमूविंग रिवॉल्विंग फ्लेक्सिबल व्हील्स। व्हील के बफिंग में व्हील्स होते हैं सारे। ठीक है, मेड ऑफ क्लॉथ और लेदर एंड कोटेड विद सॉफ्ट एब्रेसिव, मतलब क्या है, लेदर रहेगा, क्लॉथ रहेगा, उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे सॉफ्ट एब्रेसिव की, उसके बाद हम बफिंग करते हैं वहाँ से। ठीक है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव फिर आ गया आर्टिफिशियल, वो पहले नेचुरल आ गए सारे, अब ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव चलेंगे। आर्टिफिशियल में कौन कौन चलेंगे भाई आपके, सिलिकॉन कार्बाइड है, बोरोन कार्बाइड है, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कुछ इसमें दे रखी हैं रिएक्शंस वगैरह, चाहो तो पढ़ लेने तो छोड़ देना आप। ठीक है, बस नाम याद कर लेना इसके, ये हैं। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कंपोजिट्स के बारे में है, कंपोजिट बताता हूँ आपको अच्छे से। कंपोजिट मतलब आपको नाम से पता लगेगा कंपोजिट के बारे में कि दो तीन अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनेगा कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट्स आर कम्बिनेशन ऑफ मेटल, वही बात आई ना, कम्बिनेशन ऑफ मेटल, सेरामिक्स, प्लास्टिक्स एंड अदर मटेरियल, सबका कम्बिनेशन है मतलब कंपोजिट बन जाएगा। अ कंपोजिट मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग टू डिसिमिलर मटेरियल्स इनटू अ न्यू मेटल मटेरियल। ठीक है, दो अलग अलग डिसिमिलर मटेरियल लिए हमने, उसको कंबाइन कर दिया और एक नया मटेरियल बना दिया, बट मे बी बेटर सूटेड फॉर द पर्टिकुलर एप्लीकेशन देन आइदर टू द ओरिजिनल मटेरियल अलोन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट मटेरियल इज फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ये मेन एग्जाम्पल है इसका हमारे पास। ठीक है, कॉमनली यूज इन हाउस होल्ड गुड्स एंड इन मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो कंपोजिट बनेगा, अ कंपोजिट मटेरियल हैज बेटर स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड हीट रेजिस्टेंस देन इट्स इंडिविजुअल कंपाउंड कंपोनेंट मटेरियल। जो इंडिविजुअल मटेरियल है उससे ज़्यादा जब कंपोजिट बन के आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्टिफनेस ज़्यादा होगी, हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लासिफिकेशन है इसमें देखो, तीन टाइप के कंपोजिट्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स दो टाइप के हैं, लार्ज पार्टिकल्स डिस्पर्जन स्ट्रेंथन्ड, फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, अलाइंड है, शॉर्ट है, अलाइंड रैंडमली ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर कंपोजिट्स है, लेमिनार और सैंडविच। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ से। फर्स्ट नंबर पर कौन सा था हमारे पास, पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स, कैसे है ये, द डिस्पर्ज्ड फेज ऑफ पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स इज इक्वेसाइज्ड, दैट इज पार्टिकल डायमेंशंस आर अप्रोक्सीमेटली द सेम इन ऑल डायरेक्शन, जो भी पार्टिकल की डायमेंशंस हैं सारी सारी डायरेक्शन में सेम रहेंगी। ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन स्ट्रेंथ कंपोजिट्स आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल रेनफोर्स्ड कंपोजिट, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखें आप, लार्ज पार्टिकल और डिस्पर्जन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं इसमें दे रखे हैं दोबारा से यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दीज इज बेस्ड अपॉन रेनफोर्समेंट और स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। अब एक वर्ड बार बार आ रहा है रेनफोर्समेंट, नाम सुना है कभी आपने रेनफोर्समेंट का, एक्चुअली जो रेनफोर्समेंट है ये फौजियों के लिए यूज़ किया जाता है, जब एक जगह पर मान लो हमें पता लगे यहाँ पे युद्ध के चांस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम उस सैनिकों की संख्या को बढ़ा देते हैं, वहाँ पर उसको कहते हैं रेनफोर्समेंट। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा RCC में, रेनफोर्स कॉन्क्रीट सीमेंट, वैसे सीमेंट ही होते हैं हमारे पास, अगर उसमें कॉन्क्रीट मिला देते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसे कहते हैं रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सीमेंट RCC। ठीक है, ये वही चीज़ है। फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स दूसरे नंबर पे आ गया हमारा, रेनफोर्स्ड मटेरियल इंप्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज, सही है बात, रेनफोर्स्ड मटेरियल्स इंप्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। रेनफोर्समेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिस्पर्ज्ड फेस स्ट्रॉन्ग फाइबर थ्रेड और रॉड
एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके भाई, रेनफोर्स कॉन्क्रीट, ग्लास फाइबर, रेनफोर्स प्लास्टिक्स, विस्कर्स, ये सारे। थर्ड नंबर हमारा स्ट्रक्चर कंपोजिट है, दो टाइप का है, बनता है भी आपको लेमिनार और सैंडविच। अब लेमिनार कंपोजिट देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे भी डायग्राम दे रखा है, आप बनाना अच्छे से। ये लेमिनार शेप में जाएगा, मतलब एक शीट ऐसे जा रही है मेरी और अगली शीट में जो फाइबर ऐसे जा रहे हैं, इसमें ऐसे हैं, फिर इसमें ऐसे हैं, इसमें ऐसे हैं, ये सारे मिक्स होते होते एक लेमिनार कंपोजिट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। दूसरे नंबर पे सैंडविच पैनल है, सैंडविच का नाम आपने सुना ही हुआ अच्छे से, सैंडविच ये दो ब्रेड के बीच में हम कुछ भी डाल देते हैं वहाँ पे, खीरा, टमाटर, प्याज, ठीक है, तो सैंडविच बन जाता है हमारा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फेस प्लेट है, एक फेस प्लेट ये रही, एक फेस प्लेट ये रही, दूसरा एडहेसिव मटेरियल आ गया उसको जो चिपका के रखेगा, तीसरा यहाँ पे हनीकॉम्स आ गए हैं, इन सबको जब प्रेशराइज्ड करेंगे एक बढ़िया मटेरियल बन जाएगा जो कि आपका हनीकॉम्ब कोर सैंडविच पैनल के तौर पे काम करेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रॉन्ग आउटर शीट्स, दो स्ट्रॉन्ग आउटर शीट्स लेनी हमने, और फेस सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ लेस डेंस मटेरियल और कोर विच हैज लोअर स्टिफनेस एंड लोअर स्ट्रेंथ, ये उसके बारे में जिक्र था मैं, ठीक है। हनीकॉम्ब तो अभी तो बोला इसको, ये क्या है, लेस डेंस है ना, लोअर स्टिफनेस इसकी और लोअर स्ट्रेंथ है इसकी। टिपिकल फेस मटेरियल इंक्लूड एल्यूमिनियम अलॉय, फेस किसी का बनेगा, एल्यूमिनियम अलॉय का बनेगा, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का बनेगा, टाइटेनियम हो सकता है, स्टील एंड प्लाईवुड हो सकता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसकी, हम थोड़ा ध्यान रखना इसमें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी हमारी। कंपोजिट मटेरियल आर सुपीरियर टू अदर मटेरियल्स एज रिगार्ड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, कम मटेरियल्स कैन बी मोल्डेड इन टू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज, इन कमन मटेरियल्स द फाइबर आर ओरिएंटेड इन सच अ वे सो एज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एंड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पढ़ लेना आप ध्यान से। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ करना है इसको हमने भाई, ऑटोमोबाइल में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, स्पेस व्हीकल एंड सैटेलाइट्स में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स में, और भी कई टाइप के हैं। कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं हम। कंपोजिट मटेरियल्स में भी डिजाइन टू ऑब्टेन एस्थेटिक अपीयरेंस, ठीक है, बढ़िया अपीयरेंस दिखेगा उसमें आपका। कंपोजिट मटेरियल्स कैन बी कंपोजिट मटेरियल्स कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप एंड साइज, कम मटेरियल्स पोजेस एक्सलेंट मैकेनिकल, केमिकल, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं लेकिन इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशन क्या क्या है भाई, दे पोजेस लो फ्लैश एंड फायर पॉइंट, दे आर कॉस्टली, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स, पॉलीमर कंपोजिट्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर। तो इतना इसके बारे में हो गया, बाकी आगे की बातें फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ।